ज्ञानेंद्र शर्मा, ग्राम कुशा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। 5 जनवरी 1985 को पिता श्री राम लखन शर्मा और माता श्रीमती किशोरी शर्मा के यहाँ इनका जन्म हुआ। घर में बड़ी बहन शांतो शर्मा और दो बड़े भाई विनोद और शशिकांत। घर में ज्ञानेंद्र छोटे होने के कारण इन्हें ज्यादा प्यार और दुलार मिलता था। दिन बीते और ज्ञानेंद्र जी बड़े हुए। ग्रेजुएशन इन्होंने प्राइवेट से भोपाल भुज ओपन विद्यालय से पूरी की। आगे जॉब और आईटीआई करने में उनके जीजा श्याम बिहारी तिवारी ने काफी मदद की। और उसके बाद 21 जून 2005 को ज्ञानेंद्र जी आर्मी में भर्ती, जिससे पूरा परिवार खुश हुआ। बाद में 29 मई 2010 को उनकी शादी अर्चना जी से, जिनसे 2012 में उन्हें घर का चिराग पुत्र रूप में मिला, जिसका नाम कार्तिक रखा। रांची में ही उनकी आर्मी की पोस्टिंग थी, जहां उनकी मुलाकात अमित दुबे जी से हुई, जिनसे उन्हें डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के बारे में जानकारी मिली। इस इंडस्ट्री की शुरुआत रांची झारखंड से की, जिससे मध्य प्रदेश जन्मभूमि और कर्म भूमि बनी रांची। रांची वालों ने हमेशा प्यार और हौसला दिया। और बाद में जून 2014 में 9 साल 21 दिन की सरकारी आर्मी की नौकरी को छोड़ दिया और पूरा समय डायरेक्ट सेलिंग के काम को लगा दिया। इस कार्य में मेहनत, स्ट्रगल और लोगों का विरोध भी काफी था। और आर्मी का जॉब छोड़ा, ये बात परिवार को भी नहीं बताई, उसकी भी टेंशन। इन सब टेंशन में वो काफी हताश हुआ और उस टेंशन से उन्हें बाहर निकाला उनके सीनियर शिव कुमार और अमित दुबे जी ने। और बाद में उनकी निराशा तब खुशी में बदली जब उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम ज्ञानवी रखा। तब लगा घर में लक्ष्मी आने का रास्ता ही खुल गया। और बेटी के जन्मदिन के दिन ही उन्हें डायमंड शेप हासिल हुआ और बाद में डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड 2017 में ही बन गए। यह एक तरफ इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और वही उनके घर पता चला कि इन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी है। फिर परिवार वालों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, और जिसका डर था वही हुआ। पूरा परिवार एक तरफ और ज्ञानेंद्र जी एक तरफ, और उसी वजह से ज्ञानेंद्र जी और उसी हताशा से बाहर निकाला उनके सीनियर ने। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, पहला घर वालों की बात मानना और आर्मी की नौकरी में फिर से चले जाए, और दूसरा AWPL को अपना सब कुछ निछावर कर और ज्यादा मेहनत कर सफल होके दिखाया। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, जिससे आज वो इस इंडस्ट्री में सबसे सफल इंसान है, जिस कारण आज उनके पास जमीन, कार, मकान सब है। उन्होंने विदेश यात्रा भी की है, नेपाल, दुबई, थाईलैंड, टास्किंग, हांगकांग विद वाइफ, सिंगापुर, ये सभी होने के बाद घर में सभी लोग अब सपोर्ट करते हैं और अब सब खुश है। ज्ञानेंद्र जी को इनके इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए सभी सीनियर टीम और पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई।
जय अस्क्लेपीस वेलनेस।